हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। मित्रों, आप देख रहे हैं इस पौधे को, यह अजूबा का पौधा है। इसे पत्थर चट्टा, पाथर चूटी, खटुमारा और खटुआ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सुंदर मांसल पत्तियों के कारण इसका नाम ब्रायोफिलम पिनेटम भी है। ग्रीक भाषा में ब्रायान का अर्थ है अंकुरण और फिलान का अर्थ है पत्ती, अर्थात पत्ती में अंकुरण वाला पौधा। इसे गोएथ प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, आज मैं आपको पत्थर चट्टा पौधे के फायदे एवं इसके एक पौधे से हजार पौधे कैसे बनाएंगे की जानकारी दूंगा। मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। मित्रों, अजूबा यानी पत्थर चट्टा का पौधा औषधीय गुणों वाला पौधा माना जाता है। इसका उपयोग किडनी से जुड़े रोगों और मूत्र विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। यह सदाबहार पौधा है जो पूरे भारत में पाया जाता है। इसके पत्ते थोड़े मोटे, देखिए मोटे हैं, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं। अजूबा की पत्तियाँ किडनी की पथरी के इलाज के साथ साथ पेट से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करती हैं। यह बवासीर की समस्या से राहत प्रदान करती है। पत्थर चट्टा का सेवन पेट फूलने की समस्या, अल्सर, घावों को ठीक करने और रक्त को शुद्ध करने में भी मदद करती है। इसका सेवन उच्च रक्तचाप यानी बीपी, हाई बीपी को नियंत्रित करने, सर दर्द को दूर करने, खूनी दस्त से राहत दिलाने एवं आँखों की समस्या से छुटकारा पाने में हमेशा कारगर रही है। मित्रों, हाँ, इसका प्रयोग कैसे करना है इसके लिए डॉक्टरी परामर्श जरूरी है। मित्रों, देखिए ये पत्थर चट्टा का पौधा है और जो इनके किनारे किनारे, देखिए जो किनारे किनारे जो खांचे बने हुए हैं, इन्हीं में बेबी प्लांट ग्रो होते हैं, अपने आप ग्रो हो जाते हैं। देखिए इसको भी देखिए, आप देखिए ये देखिए बेबी प्लांट कितने ग्रो हो गए हैं, देखिए गिन नहीं सकते हैं। देखिए मित्रों, इसमें भी देखिए इसी तरीके से, और देखिए इसमें भी, देखिए इसमें भी अपने आप बेबी प्लांट ग्रो हो गए हैं। देखिए इधर भी, देखिए मित्रों असंख्य पौधे हैं। देखिए मित्रों, अब मैं सॉइल कंपोजिशन की जानकारी दूंगा। देखिए इसमें दो भाग मिट्टी का है, वेल ड्रेन्ड है, और एक भाग सैंड रेत का है, और इसमें एक भाग गोबर की खाद है। आप बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं, आप सूखी पत्ती भी ले सकते हैं, और 1 टीस्पून हल्दी टर्मरिक का भी मित्रों इसमें देखिए लिया है। हल्दी क्यों ली जाती है? इसका कारण ये है मित्रों कि हल्दी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। इससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। इसको सबको एक में मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये तैयार हो गई मिट्टी। मित्रों, अब मैं आपको पॉट की जानकारी दूंगा। देखिए ये पॉट है प्लास्टिक का, जिसमें मैंने पत्थर चट्टा के पौधे लगाने हैं, कटिंग लगानी है। देखिए इसमें ड्रेनेज होल है, और इस ड्रेनेज होल के ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा रख देंगे। देखिए इसी प्रकार से जो 3 इंच के हमारे पास पॉट हैं, कुल्हड़ जिन्हें कहा जाता है, देखिए इसमें भी ड्रेनेज होल है और इस पर भी पत्थर रख दिया है। मित्रों, ड्रेनेज होल क्यों बनाया जाता है? ड्रेनेज होल इसलिए बनाया जाता है कि एक्सेस वाटर बाहर निकल सके और हवा का आवागमन प्रॉपर तरीके से हो सके। अब इस मिट्टी को हम इसमें भर देंगे। मिट्टी अच्छी बनाना है मित्रों, और इसी तरीके से इसमें भी भर देंगे। मित्रों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक पौधे से हजारों पौधे कैसे बनाए जाते हैं। देखिए देखिए अभी इसमें देखिए एक ही लीफ है, इसकी पत्ती है, और एक ही पत्ती में देखिए कितने पौधे बन गए हैं। और इसमें अगर मित्रों देखिए ज़मीन पे अगर ये लटका है, देखिए ये अगर ज़मीन पे ऐसे देखिए हल्की सी मिट्टी अगर मिल गई इसको, देखिए इसको हल्की सी मिट्टी मिली थी, और हल्की सी मिट्टी मिलने से ही
इस पत्ती के किनारे किनारे जो खांचे बने हुए हैं ना, इन्हीं में देखिए ये पूरी की पूरी, पूरे के पूरे बेबी प्लांट निकल आए हैं। देखिए और कितनी अच्छी ग्रोथ है। बस इसको करना क्या है, इसको निकाल लेना है, सबको निकाल लीजिए। देखिए इसको निकाल लीजिए, ये देखिए। अब इसको निकाल करके अलग अलग कर लें, देखिए ये अलग अलग कर लें इसको। बहुत आसान है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इसमें। देखिए अब इसको क्या करें, इसको करना कुछ नहीं है, इसको आप मिट्टी में केवल सिंपल तरीके से लगा दीजिए। देखिए अब मैं लगाने जा रहा हूँ इसे। देखिए चाहे आप इसको उंगली से छेद कर लीजिए या आप इसमें इसको ड्राइवर से छेद कर लीजिए मिट्टी में, और इसके रूट वाले पोर्शन को लगा दीजिए। देखिए इसे जड़ वाले पोर्शन को, और दूसरा भी इसी तरीके से देखिए ये मिट्टी में लगा दीजिए इसको। ये देखिए बहुत आसान है मित्रों इसे लगाना। ये देखिए लग गया, ये बहुत आसान है। अब दूसरी विधि देखिए, एक तो इसकी लीफ को ऐसे काट लीजिए, कट कर लीजिए। देखिए ये इसको पूरी की पूरी इस तरीके से देखिए, ऐसे थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए इसमें, बस ऐसे। मित्रों अब इसमें जब आपने मिट्टी चढ़ा दिया तो इसकी ग्रोथ इसी प्रकार से देखिए, जो किनारे किनारे जो खांचे बने हुए हैं इसमें बेबी प्लांट आ जाएंगे। अब देखिए और भी मैं दूसरी विधि आपको बता रहा हूँ। देखिए इसको कट कर लीजिए, और कट करने के बाद में देखिए काट करके भी आप इसे लगा सकते हैं, किसी भी रूप में लगाइए, आप कैसे भी लगा दीजिए। एक तो देखिए बीच में दबा दिया, आप इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए ये, और इसको इस रूप में भी आप लगा सकते हैं। देखिए ये मिट्टी चढ़ा दीजिए अच्छी तरीके से, ये देखिए। मित्रों इसका ये जो किनारा है, इसके जो खांचे हैं, इसमें बेबी प्लांट आएंगे, इसमें भी बेबी प्लांट आएंगे, इसमें भी बेबी प्लांट आएंगे। देखिए इसी तरीके से मैंने कुछ दिन पहले लगाया था, देखिए इसको, और देखिए बेबी प्लांट आ रहे हैं इसमें, देखिए इसमें भी बेबी प्लांट आ रहे हैं। देखिए इसमें मिट्टी बहुत कम है मित्रों, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। और देखिए इसी तरीके से मैंने इसमें भी लगाया था, देखिए इसकी भी कितनी अच्छी ग्रोथ है, और मैंने इसमें भी लगाया है। देखिए अब इसमें थोड़ा पानी दे देते हैं, और इसको शेडेड एरिया में रख देते हैं जहाँ छन छन कर धूप मिले। मित्रों हिलना नहीं चाहिए, बस एक बात का ध्यान रखिए, और अपने आप देखेंगे कि ये अपने आप इसमें बेबी प्लांट निकल आएंगे, और इसमें ये अच्छी तरीके से सक्सेस हो जाएगी जो आपने बेबी प्लांट लगाया है। मित्रों अभी आपने देखा पत्थर चट्टा के एक पौधे से हजारों पौधे कैसे बनाए जा सकते हैं। मित्रों मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।